तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एल टीच में। तो दोस्तों, आज जो है मैं क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री सन 2018-19 का फाइनल का मैं पेपर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में हम उसका सॉल्व बताने वाले नहीं है। सॉल्व का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आई बटन पर भी सॉल्व का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को बिना रोके स्टार्ट करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18, टाइम 3 आवर्स, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 8, मैक्सिमम मार्क्स 70। नीचे निर्देश दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन आया था बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि सही उत्तर लिखिए, जिसमें पहला था एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। यौगिक के एक मोल का द्रव्यमान 42 ग्राम है। इसका आणविक सूत्र पहला है CH2, दूसरा है CH3C6, तीसरा है C2H2, चौथा है C3H8। दूसरा क्वेश्चन आया था दोस्तों डी ब्रोगली समीकरण है। तो पहला था लैम्डा बराबर एच अपॉन एम, दूसरा था लैम्डा बराबर एच अपॉन सी, तीसरा था लैम्डा अपॉन एच अपॉन एम सी, चौथा है लैम्डा बराबर एम सी अपॉन एच। तीसरा है दोस्तों परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहला है धात्विक तत्व, दूसरा सामान्य तत्व, तीसरा संक्रमण तत्व, चौथा अधात्विक तत्व। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए समाव्यवस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। नंबर 1 शून्य से अधिक, नंबर 2 शून्य से कम, नंबर 3 शून्य के बराबर, नंबर 4 1 से अधिक। पांचवा है दोस्तों केपी व केसी के मध्य उचित संबंध, केसी बराबर केपी आरटी डेल एन, केपी बराबर केसी आरटी डेल एन, केसी बराबर केपी आरटी डेल एन, और चौथा आया था केसी बराबर KPTR डेल एन, ठीक है। तो दोस्तों इधर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला था प्राचीन काल में रसायन का कार्य करने वाले व्यक्तियों को के नाम से पुकारा जाता था। दूसरा आया था भली भांति बंद थर्मस फ्लास्क रिक्त स्थान निकाय का उदाहरण है। तीसरा आया था लैम्प ब्लैक कार्बन का रिक्त स्थान अपर रूप है। चौथा आया था सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक रिक्त स्थान की बीमारी के लिए उत्तरदायी है। पांचवा था द्रव्य के संरक्षण का नियम रिक्त स्थान ने दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पेपर का सॉल्व का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और साथ में आई बटन पर भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो को पहले पूरा देख लें तभी उस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे तो उनका आंसर आप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए हम जो है आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंग्लिश में दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स, आप इन्हें पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आया था एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला था वांडरवाल समीकरण लिखिए, दूसरा था दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तीसरा आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, चौथा था किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव्य अवस्था में आए वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, पांचवा था किसी अशुद्ध द्रव्य के वाष्पन तथा वाष्प के संघनन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पदार्थ
प्राप्त करना कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है इंग्लिश में दिए हुए हैं, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये क्वेश्चंस अब आपके लिए भी हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन आया था सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला था अरेनियस, ठीक है, दूसरा था चार्ल्स का नियम, तीसरा आया था दोस्तों अपचयन, चौथा था जेलडॉल विधि, पांचवा था कैरियस विधि, ठीक है। इसके ऑप्शन दिए हुए थे और जो है ये इंग्लिश मीडियम बालों के लिए था, आप देख सकते हैं, और ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है, तो आपको इसे सॉल्व करने में दिक्कत भी नहीं होगी। इसमें पहला था मूल क्या है, 5th नंबर का क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर के लिए, वो था मूल क्या है। इसके अथवा में आया था मूलरता किसे कहते हैं। छठवा है भारी हाइड्रोजन के उपयोग लिखिए, ठीक है। इसके अथवा में था हाइड्रोजन बनाने की किसी एक विधि को समझाइए। सातवां क्वेश्चन था प्रदूषण क्या है, इसके अथवा में दोस्तों क्वेश्चन आया था, इसके अथवा में क्वेश्चन आया था दोस्तों प्रदूषक क्या है। प्रश्न नंबर 8 था हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बंध के बारे में बताना था। इसके अथवा में था अनुनाद को समझाइए, अनुनाद कैसे होता है ये हमें बताना था। 9th था आदर्श गैस किन्हें कहते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, आदर्श गैस की परिभाषा लिखनी थी और इनकी विशेषताएं भी लिखनी थी। इसके अथवा में था वास्तविक गैस किन्हें कहते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, यानी कि व्हाट आर रियल गैसेस, राइट इट्स मेन कैरेक्टरी, क्या पता क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स। 10वां था बेकिंग सोडा क्या है, एक रासायनिक गुण व एक उपयोग भी लिखिए। इसके अथवा में था प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। दोस्तों 11वें नंबर का क्वेश्चन था हुंड का नियम उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। इसके अथवा में था अफबाऊ सिद्धांत को समझाइए। 12वां है परमाणु त्रिज्या को समझाइए, जी 12वां अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट हो सकता है, परमाणु त्रिज्या को समझाइए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था वो है क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम क्यों होती है। 13 नंबर का क्वेश्चन आया था दोस्तों बर्फ की एंट्रापी जल से कम क्यों होती है। इसके अथवा में था आंतरिक ऊर्जा को समझाइए। 14वां था बफर विलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। इसके अथवा में था लासा तेलिए नियम के आधार पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की समाव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। 15वें नंबर का क्वेश्चन आया था किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व के परीक्षण की लेशेन विधि को समझाइए। इसके अथवा में था दोस्तों सजातीय श्रेणी को समझाइए। 16वें नंबर का क्वेश्चन आया था ऑक्सी कारक व अपचायक को समझाइए। इसके अथवा में था डेनियल सेल का सचित्र सहित वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन आया था दोस्तों अकार्बनिक बेंजीन किसे कहते हैं, संरचना भी दीजिए, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए नहीं इसके अथवा वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके अथवा में क्वेश्चन था सामान्य ताप पर CO2 गैस जबकि SiO2 ठोस होती है क्यों, समझाइए। तो 18वां क्वेश्चन आया था एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें जो है एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि हमको लिखनी है और उसका चित्र भी बनाना है। इसके अथवा में था निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण दीजिए। इनका जो है केवल रिएक्शन हमको देनी थी, एसिटिलीन से एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा आया था एथिलीन से मस्टर्ड गैस, तीसरा आया था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ईथेन, चौथा आया था कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन, पांचवा आया था एल्यूमिनियम कार्बाइड से मीथेन। ये इंग्लिश में दिए हुए हैं जैसा कि मैं जब से बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना
ना भूलें देखने के लिए। धन्यवाद।